तो और मेरे प्यारे भाइयों और उनकी प्यारी बहनों, तो यार ये मैं आ चुका हूँ एक और न्यू गेम प्ले वीडियो लेके, मतलब दो गेम प्ले की वीडियो, और दोनों गेम प्ले यार काफ़ी तबाहीदार जाने वाले हैं और बहुत औसम जाने वाले हैं। अब मेरे गेम प्ले के साथ सीन ये होता है ना कि हर बार मेरी शुरुआत बेकार होती है, लेकिन एंडिंग भाई साहब क्या टॉप क्लास होती है। अब नीचे एक बंदा होता है जिसके ऊपर मैं पुश कर देता हूँ, मतलब मेरे पास गन थी उसके पास नहीं थी, और वो यार नीचे से गन ले लेता है। अब मेरा नेट हकता है और मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, और ये बंदा भाई साहब बहुत ही खतरनाक होता है। अब ये बंदा भाई साहब मेरे दो से तीन शॉट मिस करा देता है, मेरी गन चली जाती है रिलोड पर, और ये बंदा पता नहीं क्यों बंदरों की तरह उछल रहा होता है, लेकिन फिर भी इसको हम शॉटगन से निपटा लेते हैं। और इसको निपटाने के बाद भाई इसकी पिचकारी ले लेते हैं, लेकिन जो कि बिल्कुल काम नहीं आएगी हमारे, तो पिचकारी लेकिन अपने टीममेट के साथ आ जाता हूँ और मैंने पिचकारी छोड़ देता हूँ एक ही, और यह दूसरी गन जो भी मिलती है भाई पिचकारी कौन रखेगा जब हमें इतना बढ़िया मामला पानी मिल रहा है। तो अब ऊपर हरामखोर टीममेट मेरा सारा किल चुरा लेता है, और भाई इस गेम में ना शुरुआत में भाई इस टीममेट ने मेरे को एक भी किल नहीं करने दिया, और अब मैं जब यहाँ आता हूँ ना, यहाँ आकर मेरे को अपना पहला किल करने का मौका मिलता है जो कि मैं मिस नहीं करता, और अपना पहला किल चुरा लेते हैं इस टीममेट से। और ऊपर यार स्टेडियम पे आपको एक बंदा दिख गया होगा, मतलब छत पे, मैं जैसे इसको मारने की कोशिश करता हूँ मेरा अपने आप ही रेड डॉट लग जाता है और सीन खराब हो जाता है यहाँ पर। तो अब यहाँ पर देखना मेरी सत हरकतें क्या हो रही थी। इस बंदे को मैं थोड़ा सा डैमेज देता हूँ, लेकिन भाई साहब ये नेट फेंक देता है और मेरी फट के चार हो जाती है, इसलिए मैं 9-11 हो लेता हूँ वहाँ से। और अब देखो बस थोड़ा सा डैमेज, इसके कद्दू वाले सर को मैंने थोड़ा सा डैमेज दिया, इसके पास बेचारे के पास टपली नहीं थी, इस वजह से भाई साहब ये बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ था। अगर इसके पास 3 का हेलमेट वेस्ट होता ना तो छोड़ता नहीं। अब मैं इसको ऐसा मारूंगा इसकी 7 पुश्तें याद रखेंगी और पबजी नहीं खेलेंगे आज के बाद से, कभी पबजी लाइट पर दिखेंगे भी नहीं मेरे को। अब इन दोनों को मार देते हैं और जल्दी से यार इसकी लूट करके यहाँ से 9-11 हो लेते हैं, 9-11 नहीं सीधा 22 हो लेते हैं। तो जल्दी से यार यहाँ से 22 होने के बाद मैं आया तो यहाँ पर अपार्टमेंट की छत पर, और अपार्टमेंट की छत पर आने के बाद भाई मेरे को यहाँ पर फुटस्टेप आते हैं और मेरे को नहीं पता था ये बॉट है, मुझे लगा था कोई लौंडा होगा, लेकिन ये तो बॉट निकलता है। और मतलब बॉट को मारने के बाद भाई यहाँ पर मैं आ जाता हूँ, और यहाँ पर अब बस डीपी और 3x का स्प्रे देखना भाई, स्प्रे देख लिया है तो भाई लाइक कर दो स्प्रे के लिए, तो यार लाइक तो बनता है भाई। अब इस स्प्रे से मैं 2 बंदे नॉक कर देता हूँ, और एक शायद पहले ही नॉक होता है, और मतलब यहाँ पर 3 बंदे मैं नॉक कर देता हूँ, और साथ ही साथ यार मेरे को यहाँ से ना एंगल सही से नहीं मिल रहा था, और मैं जल्दी से यार सोचता हूँ कि जल्दी से एक दो स्प्रे मारने के बाद मैं यहाँ से एंगल चेंज कर लूँगा, सामने वाले अपार्टमेंट में चला जाऊँगा जो कि मैं करता भी हूँ। तो मैं जल्दी से यार यहाँ पर आ जाता हूँ, और यहाँ पर आने के बाद मैं जल्दी से जंप करके दूसरे वाले अपार्टमेंट में आ जाता हूँ। अब दूसरे वाले अपार्टमेंट में आने के बाद मेरे को यार ज़्यादा मतलब यहाँ से अच्छा सा वो नहीं मिलता व्यू, तो मैं जल्दी से यार नीचे उतर जाता हूँ। नीचे बस अभी सिर्फ 3 बंदे बच रहे होते हैं, और भाई वो बंदा आपको यार दिख ही गया होगा, लेकिन ये घासों की वजह से मैं उसको मार ही नहीं पा रहा हूँ। और अब तुम्हारे भाई ने क्या ही अंदाजे से यार घासों में से बंदा मारा है, तो यार लाइक तो बनता है। तो अब मैं आपको एक सुपर ग्लिच दिखाऊंगा, मतलब बहुत ही मज़ेदार ग्लिच है। तो अब यहाँ पर मैं पहले ना जल्दी से 2 स्मोक फेंक देता हूँ, ताकि जो AWM वाला बंदा है ना वो मेरे को मार ना दे, और ले देंगे वो एक शॉट तो मेरे चिपकाए देता है। भाई साहब मेरी फटके कतई 4 हो चुकी थी, क्योंकि भाई इनने बहुत पावर कम कर दी थी, और मेरे पास फर्स्ट एड सिर्फ 2 ही थी, तो फटी हुई थी भाई मेरी, बिल्कुल ही फटके 4 हो रखी थी। जल्दी से मैं दोनों तरफ स्मोक कर देता हूँ, और स्मोक से यार मेरे को बहुत फ़ायदा होता है। तो जल्दी से यार मैं देख रहा हूँ तो कि यार बंदा कहाँ है, और ऐसी रैंडम स्प्रे दे लेता हूँ, क्योंकि डीपी में गोलियाँ बहुत ज़्यादा है, और घर तो लेकर जानी नहीं है ना भाई गोलियाँ सारी। तो अब मेरे ऊपर ये जोन पुश कर देता है, और यहाँ पर मतलब स्मोक का कवर होता ही है, और मेरे को सामने बंदा भी दिख जाता है, अभी दिखेगा। फाइनली जैसे कि मैंने कहा था कि मेरे को बंदा दिख जाता है, उसको मैं नॉक कर देता हूँ, और साथ ही साथ अभी यहाँ पर एक बंदा और बाकी होता है, और मेरे को भाई साहब उसका डर था, क्योंकि उसके हाथ में ग्रोजा थी, और वो ग्रोजा से मेरे को मार भी देता। अभी यहाँ पर मैं सोचता रहा हूँ कि एक प्यारा सा नेड कुक करते हैं, क्योंकि मेरे को लग रहा था कि वो उसी साइड है, क्योंकि वहाँ से आपको यार एक ना ज़रा गोली का फायर का निशान आग के दिखा होगा, इस वजह से मेरे को लगता है कि वहाँ पर बंदा है, लेकिन वो बंदा नॉक वाला ही होता है। और मेरे को अभी ग्रोजा का जैसे डैमेज पड़ता है ना भाई साहब, मेरी फटके 4 हो जाती है, और अब मेरे को आखिरकार बंदा दिखता है। मतलब यहाँ पर मैं मोलियो फेंकने होता हूँ, और मैं वहाँ फेंकने वाला था सामने, लेकिन जैसे मैं इधर करता हूँ ना थोड़ा सा, तो मेरे को आखिरकार बंदा चमक जाता है। और भाई इसको मारने के बाद आप खुद ही देख लो,
एक ही बंदा लाइव बचा है लेकिन मेरे को चिकन नहीं मिल रहा है। अब भाई सीनियर है कि जैसे मैं गेम ऑन करता हूँ ना, मतलब गेम खत्म करता हूँ या मर जाता हूँ, तो मेरा वीपन अपने आप ही बंद हो जाता है। तो इस वीपन के बंद होने की वजह से उस मैच में चिकन हो गया लेकिन मेरे को दिखाया नहीं। मैंने जैसा कि आपको थंबनेल में दिखाया था, मेरे को चिकन मिला है लेकिन नहीं भी मिला है। तो ऐसे ही सीन हो रहा है मेरे साथ और इस मैच में भी ऐसे ही सीन होगा। तो अब मैं गाड़ी लेके यार यहाँ जाता हूँ, मेरे को ड्रॉप लूटनी थी। और जैसे ही मैं उतरता हूँ ना भाई साहब, मेरे को गाड़ी की आवाज़ आती है। गाड़ी के अंदर से एक लौंडा निकलता है और इसको एक एम आयरन साइड से निपटा देते हैं। और जल्दी से भाई साहब मैं यूएसआर लेके आता हूँ। और ये बंदा भाई क्या ही बचा है ठुकने से, ये बंदा तो भाई साहब कतई नूबड़ा होता है। इनने स्कोप खोलने के मारने की कोशिश की और मैं जिगल करके इसको निपटा दिया। तो अब मेरे टीममेट AWM चिपका रही थी और ये बंदा भाई साहब नॉक पड़ा था। अब यहाँ पर आकर आपको ना यार, अब बॉट वॉट के किल तो मैंने बहुत ले लिए, अब यहाँ पर स्प्रे देखना बस मेरे। पहले मतलब इस नॉक बंदे को मैं अपना किल सिक्योर कर लेता हूँ और फिर साथ में इसका दूसरा भाई बंधु भी आ जाता है जिसको मैं काफी हिट देता हूँ। और भाई इस बंदे को ना तुम्हें याद रखना पड़ेगा क्योंकि इसको यार ये मेरे से बहुत बचता है, लेकिन मार देते हैं एंड में इसको। यहाँ पर नहीं मारते, अभी देखना यहाँ पर मारने का यार। यहाँ पर ना देखो एक बंदा मैं नॉक कर देता हूँ। इस बंदे को नॉक करने के बाद भाई साहब जल्दी से यार यहाँ पर ना मतलब ये बंदा स्मोक बचा लेता है और ये बग्गी लेके भाग जाता है। और ये बग्गी लेके जब घुमा के आ रहा होता है ना, तो मैं इसके ऊपर बहुत तगड़ा सा स्प्रे मारता हूँ लेकिन ये बच जाता है। और भाई इसके पास लेवल 3 के गेट थे इसलिए इसने बहुत गोलियां खाई तब जाके ये बचा है। और इनने मेरे टीममेट को भी नॉक कर दिया था, बग्गी से उड़ा रहे थे, टीममेट को रिवाइव दे देते हैं। और ऊपर अभी भाई साहब दो बंदे हैं, तो दो बंदों के ऊपर यार जल्दी से पुश कर देते हैं लेकिन पहले एक ना स्मोक फेंक देते हैं ताकि थोड़ी सेफ्टी रहे। तो अब भाई मैं आपको यार ये कहना चाहूँगा कि भाई जल्दी से ना मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो, मेरे 100 सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं। और मैंने 100 सब्सक्राइबर स्पेशल मॉन्टाज बना के रखा है, लेकिन जब 100 सब्सक्राइबर हुए ही नहीं तो मॉन्टाज कहाँ से डालूंगा। तो 100 सब्सक्राइबर पूरे करा देना। अब लास्ट में ऊपर एक बंदा होता है, ये लास्ट बंदा नहीं है, मतलब ये बंदा भाई साहब इंतजार में था कि इसने भाई अपने मेरे टीममेट को छोड़ रखा था ऐसे ही नॉक करके, लेकिन ये इसको मतलब पूरा खत्म नहीं कर रहा था, पता नहीं क्यों मेरे को समझ नहीं आया। लेकिन अगर आपको यार वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पर न्यूट सब्सक्राइब कर देना। इस बॉट को मारने का चिकन ले लेते हैं, लेकिन मैंने कहा ना मेरा भाई वीपीएन अपने आप ही बंद हो जाता है, आप ऊपर चेक कर सकते हो। टर्बो वीपीएन लाइट यूज़ करता हूँ, अपने आप ही बंद हो जाता है, मेरे को सीन समझ नहीं आया इसका। लेकिन यार अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पर न्यूट सब्सक्राइब कर देना। आपको ऐसी गेम प्ले वीडियोस देखने के लिए मिलते रहेंगे। तो यार आज की इस वीडियो में इतना ही, मैं चलता हूँ, गुड बाय। शब्बा खेर नहीं, रहन दो, कुछ नहीं, बस सब्सक्राइब कर देना और प्यारा से कमेंट कर देना। और भाई जल्दी से यार मेरे 100 सब्सक्राइबर्स पूरे करा दो, मज़ा आ जाएगा मेरे को भी और आपको भी।